हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है पंचमी, दिन के लगभग 1:30 बज गए हैं। नवरात्रियाँ चल रही हैं, आज पंचमी है और साथ में है मेरा फास्ट, क्योंकि मैंने इस बार सोचा था कि मैं इन पूरी नवरात्रियों में फास्ट रखूँगी, तो इसलिए मैंने रखा है, आज मेरा 5वां फास्ट है। तो और इतने टाइम से मैंने व्लॉग नहीं बनाया, बहुत लगभग तीन महीने हो गए होंगे, उससे भी ज़्यादा ही टाइम हो गया होगा और मैंने व्लॉग नहीं बनाया। पर इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारे सही में, तो मैं वो सब मैं ना आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, 2-3 मिनट की अलग से बना दूँगी, तो जिसको मन होगा तो देख लेना, मेरे दुखड़े सुन लेना जिसका मन होगा। मेरे पास इतनी कहानियाँ रहती, मतलब मैं ना दिन भर बता सकती हूँ कि ऐसा हुआ, पर फिर ये हो जाता है कि यार मैं कितना जो बताऊँ, तो इसलिए ना जिसको मेरे ऐसे दुखड़े वाली कहानियाँ सुननी होंगी तो वो अलग से वाली वीडियो देख लेना, ठीक है, जिसको नहीं सुननी होगी तो ये नॉर्मल व्लॉग देख लेना। तो ठीक है, अब हम करेंगे टाइम टू टाइम व्लॉगिंग, पर इस बार एक्चुअल में सच में पक्का इस बार मैं तमीज से व्लॉग करूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो अभी मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हो चुकी है, जैसे आपने पुराने वाले व्लॉग्स में देखा हो, कॉलेज वगैरह ये सब कुछ, अभी काफ़ी डिफरेंट हो गया है सब कुछ। तो मैं आपको दिखाती रहूँगी मैं क्या क्या करती हूँ सुबह से। मैं भूल गई कि मैंने अभी वीडियो में बताया है नहीं कि मैंने दूध केला खाया है सुबह से, यानी पर ठीक है, अगर पहले बता दिया है तो इसको भूल जाओ। 2 मिनट का शूट हो गया अभी तक, मेरी बातें ख़त्म नहीं होती हैं एक्चुअली। चलो ठीक है, अभी बातें ख़त्म करते हैं, मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ। और मैंने बता दिया ना कि मैंने दूध केला खा लिया है, मैं सब भूल जाती हूँ। चलो ठीक है ठीक है, तो कुछ करूँगी तो मिलती रहूँगी। 1:30 बज गए फिलहाल, तो मैं जा रही हूँ नीचे दुकान, क्योंकि फिर मम्मी आएगी ऊपर खाना खाने, ठीक है, मिलते हैं। फिलहाल मैं आ गई वापस, क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा टाइम लगने वाला था, तो मैंने सोचा, और मेरे को भूख जैसी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि एक सेब काट के ले जा लेती हूँ जब तक, तो इसीलिए मैं वापस आ गई। और मन तो इतना हो रहा है ना कि इतनी सारी बातें कर लूँ, पर फिर लग रहा है कि वो ही हो जाएगा, बोल जाओगे, तो इसलिए मैं अभी इतनी बातें नहीं बता रही हूँ। और फिर मेरे दुखड़े वो तो मैं अलग वीडियो में मैंने बताया है कि मैं सुनाऊँगी। एक चीज़ भी दिखाऊँगी आपको, जो लोग फास्ट करते हैं ना उन लोगों के लिए दिखाऊँगी। मुझे तो ना यार फास्ट में मतलब एक कभी बहुत भूख लगने लग जाती है, कभी फिर बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। और वैसे चाहे इतना मन नहीं होगा, फास्ट वाले दिन मन होता है नमकीन चीज़ें खाने का, ये फल वाल तो मेरा तो ज़्यादा खाने का मन ही नहीं होता, पर यह है कि मुझे थोड़ी भूख लगती है तो मैंने सोचा कि खा लेती हूँ। एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, एक मिनट रुकना। ये चिप्स आते हैं कोई के, ठीक है, बालाजी के चिप्स हैं ये, और ये ना वो सेंधा नमक होता है ना रॉक सॉल्ट, उससे भी बने हुए हैं, तो इसको फास्ट में ले सकते हो। और ये नमकीन आपको दिखाती हूँ, ये होती है ये भी हम फास्ट में खा सकते हैं। और ये ना ये नमकीन है, पर ये मीठी मीठी होती है, नमकीन तो नमकीन चीज़ों को कहते हैं, पर फिर भी ये मीठी होती है, पर इसका नाम नमकीन है कुछ, ठीक है। तो अभी टाइम हो गया है 7:40, मैं बहुत देर में ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मैं बताऊँ मैंने इतना काम किया, मतलब पहले मैं नीचे गई दुकान 1:30 बजे के टाइम पे, फिर उसके बाद मैं 2-3 बजे तक दुकान में बैठी थी, फिर उसके बाद मैं आजकल जाती हूँ कंप्यूटर क्लासेस, तो मैं वहाँ गई थी, फिर उसके बाद मैं आई लगभग 5 बजे, ठीक है, फिर उसके बाद आके ना कोई काम नहीं किया, सोचा था तो मैं पढ़ी थी, फिर जैसे ही 6:30 बजे के टाइम पे, फिर मैंने सोचा मेरे को बहुत ना भूख नहीं, फिर तो पता है ऐसा होता ना कि दिन के टाइम पर तुम्हें भूख लगती होती है,
व्रत में, मैं अपना बता रही हूँ यार, तुम्हारा मुझे ही बता। तो दिन के टाइम पे भूख लगती होती है, और शाम होते होते बिल्कुल भूख, अब बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, दिन में ऐसे पेट गरम गरम हो जाता है। फिर तो और फिर ना मेरा पता नहीं क्यों पर चटपटा खाने का मन करता, तो मैंने सोचा कि लेके आ जाते कुछ। तो फिर उसके बाद नानक जो लोग यहाँ के होंगे, क्या इसमें सारे लोग यहीं के होंगे ऐसे तो, पर ठीक है, किसी किसी को मे भी ना पता हो तो मैं बता देती हूँ। एक ठीक है, नानक सुना होगा, नानक के वहाँ मिठाइयाँ मिलती हैं और बहुत ही अच्छी मिठाई मिलती है। और ना अगर जिस अगर आपने नानक की जलेबी नहीं खाई तो पक्का खाना, इतनी अच्छी होती है, पूरे घी से बनी होती है, बहुत ही अच्छी होती है। फिर मुझे भूख लगी थी तो फिर मैंने सोचा कि मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं सॉल्ट के बतासे, ठीक है, और वो चटपटे होते हैं और उनमें प्याज वगैरह कुछ नहीं होता है, तो आप व्रत के बाद खा सकते हो, व्रत में नहीं व्रत के बाद, जैसे मैं पूजा कर लूँगी उसके बाद मैं खाऊँगी, मैं आपको दिखाती हूँ, पर मैं अभी नहीं दिखा रही, मैं जब पूजा कर लूँगी ना उसके बाद आके दिखाऊँगी, अभी खोलूँगी तो मेरा भी मन कर जाएगा आपको। तो सच में रुका ही नहीं गया, मैंने तो खोल के खा भी लिया। मैं पूजा करके आई और मैंने फटाफट खोला और सीधे खा लिया। ये इतने अच्छे होते हैं, मैं आपको क्या ही बताऊँ। अब मैं काम करती हूँ, फटाफट से सबको खिला देती हूँ, नहीं तो फिर वो होते ना बतासे, इसमें दही वही होता है बहुत सारा, तो बतासे थोड़े सौगी सौगी से हो जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते, बतासे कुरकुरे अच्छे लगते हैं, तो मैं काम करती हूँ सबको खिला देती हूँ। तो कैसा हो रहा है, ब्लॉग बना रही हूँ यार, ब्लॉग बना रही हूँ। तो क्या हो गया बताओ, कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा, विकी भाई तुम बताओ कैसा हो रहा है? डॉली को मत करा मैम, बहुत अच्छे, पहली बार शॉर्ट के बता सकते हैं, ये दही की मात्रा ज्यादा हो गई ना, शॉर्ट के बता सकते हैं। मम्मा मत करा, मम्मा ना मम्मी कह रही मेरे दांत नीचे गिर जाएंगे, पर मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, पर मेरी दोनों बहनों ने तो खाया नहीं, विक्की भैया और मम्मी ने खाया, मम्मी को तो देखा ही होगा अपने रिएक्शन, मम्मी को तो बहुत ही अच्छे लगे, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप लोग भी ट्राई करना। और अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी, क्योंकि मुझे रोटी बनानी है, फिर उसके बाद टाइम से खाना भी खा लूँगी, क्योंकि लगभग 8 बजने में, अब बस 5 मिनट है, तो मैं रोटी बनाती हूँ, मेरी दीदी सब्जी बना देगी, फिर हम खाना खाएंगे।